जैसे जैसे हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में बदलाव यात्रा की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत 15 से 14 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बदलाव का संदेश देंगे। यात्रा शुरू करने से पहले कालका, फरीदाबाद, सिरसा और महेंद्रगढ़ में हवन कर भगवान का आशीर्वाद लिया गया। एक कालका से आज ही शुरू हो रही है, वहाँ से पूजा पाठ करके हमने शुरू की है। दूसरी फरीदाबाद से हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के सुशील गुप्ता जी, उन्होंने यात्रा शुरू की है। तीसरी सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर जी ने यात्रा शुरू की है और चौथा रूट यहाँ महेंद्रगढ़ से वीरभूमि से मैं यहाँ से इस यात्रा को का नेतृत्व करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जगह जगह पर आम लोगों के साथ इस यात्रा का स्वागत भी करेंगे, इस यात्रा में भी जुड़ेंगे। और महेंद्रगढ़ से होते हुए अगर मैं इस रूट की बात करूं तो महेंद्रगढ़ से होते हुए पूरे साउथ हरियाणा को कवर करते हुए काफ़ी हिस्से को हम झज्जर, बेरी, रोहतक से होते हुए महम, नारनौन, उसके आगे सफीदों की तरफ जाते हुए और लास्ट में हम पहुंचेंगे कैथल और कलायत। कैथल में इस यात्रा का, इस रूट का समापन करेंगे। इसी तरीके से चारों रूट अलग अलग पूरे हरियाणा को कवर करते हुए जब ये यात्राएँ समाप्त होंगी तो उस वक्त 90 की 90 विधानसभा पूरी तरह से कवर होंगी आम आदमी पार्टी की इस बदलाव यात्रा में, और 90 की 90 विधानसभा में बदलाव का बिगुल बज चुका होगा। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश, इब हरियाणा के लाल नए, एक मौका केजरीवाल नए के नाम से प्रदेश की 90 विधानसभाओं में बदलाव यात्रा निकाल रही है। जहां महेंद्रगढ़ से अनुराग ढांडा ने हवन के बाद इस यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं सिरसा में अशोक तंवर ने इस यात्रा का आगाज किया, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने फरीदाबाद से यात्रा का शुभारंभ किया, तो वहीं कालका से चित्रा सरवारा ने यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान पार्टी नेताओं का कहना था कि हरियाणा बदलाव की राह देख रहा है। इस यात्रा में युवा, जवान और किसान समेत हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के बेहतर कल के लिए बदलाव करने को तैयार है। हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस महायज्ञ की शुरुआत आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा से होने जा रही है। यात्रा युवा, किसान, बुजुर्ग और महिलाओं के मुद्दों को मंच देगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी की ये बदलाव यात्रा 15 से 24 दिसंबर तक चलेगी और ये यात्रा अलग अलग जिलों में होते हुए सभी 90 विधानसभा और लोकसभाओं में ये यात्रा घूमेंगी, क्योंकि पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने की तैयारी कर रही है और दिल्ली, पंजाब के बाद हरियाणा में मजबूती के साथ सत्ता परिवर्तन करने को आतुर है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी इस यात्रा से उसको कहीं न कहीं फायदा जरूर मिल सकता है और कहीं न कहीं विपक्षी दलों को भी कड़ी टक्कर मिल सकती है। सत्य, सटीक, बेबाक।